व्हाट्सअप गाइस, दिस इज रेमो। आज की डेट में एप्पल वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में से एक है। वैसे तो एप्पल को सबसे इनोवेटिव कंपनी भी माना जाता है, पर आपको बता दूं कि इंडिया में एप्पल फोन्स का मार्केट शेयर 2% से भी कम हो गया है और बस ये हर साल कम होते ही जा रहा है। तो क्यों एप्पल इंडिया में फेल होते जा रहा है, तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरी जरूर देखना। आप सबको पता होगा कि एप्पल्स के फोन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं अपने इंडियन मार्केट के लिए। तो जब इन्हें भी ये प्रॉब्लम पता चली तो इन्होंने 2016 में इनिशिएटिव लिया कि हम इंडियन मार्केट के लिए नए सस्ते फोन बनाएंगे। तो एप्पल वालों ने क्या करा, इंडिया में फोन्स बनाने शुरू तो करे, पर बनाया कौन सा, एप्पल एसी एडिशन, जो कि एप्पल का कई सालों पुराना फोन है। अब जहां हर 2 महीनों में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा अपग्रेड हो जाती है, Xiaomi हर 2 से 3 महीनों में नया फोन निकाल देता है, तो वहां ये एप्पल 4 इंच का फोन बनाता है और वो भी पुराने स्पेसिफिकेशन के साथ, और ऊपर से उसका प्राइस भी 20,000 तक रख देता है। तो आखिर लोग क्यों लेना पसंद करेंगे जब उन्हें Xiaomi 15,000 में 6 इंच का फोन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ दे रहा है। तो यही पहला रीजन है कि एप्पल चाह के भी इंडिया में सस्ते फोन नहीं बना पा रहा है, और लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन देना वो तो बहुत दूर की बात है। वहीं अगर आप दुबई वगैरह से एप्पल के फोन लेते हो तो आपको एप्पल के फोन कहीं सस्ते में मिल जाते हैं। दूसरा रीजन है कि एप्पल को फर्क ही नहीं पड़ता है कि उनका इंडिया में मार्केट शेयर कम हो या ज्यादा हो। जहां गूगल, फेसबुक, अमेजोन ये सब हर साल कुछ ना कुछ इंडिया में इन्वेस्ट करते रहते हैं, चाहे इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करके, चाहे इंडियन मार्केट में R&D में इन्वेस्ट करके, पर एप्पल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो अब 2020 में नींद से उठे हैं कि हम भी तो इंडिया में बिजनेस करते हैं, तो अब जाके इन्होंने 2020 में $1 बिलियन इन्वेस्ट कर रखा है इंडिया में। अब ना तो तुम सस्ते फोन बना पा रहे हो और ना ही कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, थोड़ा इंडियन मार्केट की R&D पे तो खर्चा करो यार। और यूनिकनेस की बात करें तो पहले 2 कैमरे होते थे, अब 3 कैमरे लगा दिए। तो इंडिया के नॉर्मल कस्टमर के लिए तो फोन बनाता ही नहीं एप्पल, और फिर मार्केट शेयर तो अपना आप डाउन होना ही है। ये इंडिया है सर, यहाँ लोग फोन बाद में लेते हैं, पहले उस फोन में देखा जाता है कि इसमें PUBG सही से चल पाएगा या नहीं। तीसरा रीजन है, इनको इंडियन मार्केट समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई। चलो एप्पल के फोन महंगे होते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, पर यार हेडफोन जैक नहीं है, इस पे तो एप्पल कई सालों से बहाने बनाते आ रहा है। जहां सारे दूसरे फोन कंपनीज विदाउट नॉच वाले फोन्स में शिफ्ट हो रहे हैं, तो वहीं एप्पल अपने नॉच को और बड़ा करते जा रहा है। फिर एक्सपेंडेबल स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है, वो अलग से। ये तो रही हार्डवेयर की दिक्कत, अब आते हैं सॉफ्टवेयर में। एक तो सीरी अभी भी इंडिया में अच्छे से काम नहीं कर पाता, अभी तक ये इंडियन एसेंट को ही समझ नहीं पा रहे हैं। वहीं गूगल असिस्टेंट सीरी से कई आगे निकल चुका है और कई अच्छी तरीके से काम करता है इंडिया में। फिर एप्पल म्यूजिक, ये भी जियो सावन और हंगामा जैसे से कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है। एक तो हंगामा सावन जैसे म्यूजिक ऐप में आपको ज्यादा हिंदी म्यूजिक मिल जाते हैं, और दूसरा इनका फ्री वर्जन भी है जिनमें आप एड के साथ ही गाना भी सुन सकते हो, और एप्पल तो फ्री सर्विस में मानता ही नहीं है। और इंडिया में तो लोग एड के साथ गाना सुनना ज्यादा पसंद करेंगे, ना कि पेमेंट करके। तो वही बात है, एप्पल इंडियन मार्केट को भी समझ नहीं पाया सही से, और एप्पल मैप्स की तो बात ही मत करो। जो एप्पल वाले होंगे उनको पता होगा बहुत बुरा हाल है। तो एप्पल इन्होंने इंडियन मार्केट के लिए बनाया ही नहीं है, ये तो बस यहाँ बिजनेस कर रहे हैं कैसे कैसे करके, कि चला तो ठीक, नहीं चला तो हमारा क्या जा रहा है, वैसे भी हम दुनिया की नंबर 1 कंपनी तो है ही। अगला रीजन है, ना तो एप्पल फर्स्ट मूवर निकला और ना ही फास्ट मूवर। अगर Xiaomi की बात करें तो जहाँ Xiaomi फास्ट मूवर निकला बहुत तेज, इन्होंने सिर्फ 1 से 2 सालों में ही पूरा आधा इंडिया कवर कर दिया था, तो वहीं एप्पल 5 सालों से आधा इंडिया भी कवर नहीं कर पाया। इंडिया में ज्यादातर एप्पल्स के फोन्स के बारे में Tier 1 cities ही जानती है, और Tier 2 और Tier 3 cities को सिर्फ इतना पता है कि हाँ एप्पल बस एक अच्छी कंपनी है, और एप्पल ने कभी कोशिश भी नहीं करी अपने फोन्स Tier 2 और Tier 3 cities में बनाने के लिए, जबकि Xiaomi ने इन पे ज्यादा फोकस किया। तो एप्पल के पास फर्स्ट मूवर का एडवांटेज था, पर इन्होंने इसका फायदा ही नहीं उठाया। अच्छा, अब एप्पल वाले भी इंडिया में iPhone 11 बनाने वाले हैं। अभी इन्होंने बिलियंस में इन्वेस्टिंग करी है अपनी फैक्ट्रीज खोलने के लिए इंडिया में। आपको पता होगा कि पहले एप्पल फोन्स के पीछे लिखा आता था असेंबल इन चाइना, तो अब से असेंबल इन इंडिया लिखाएगा। पर दिक्कत क्या हो गई, फोन तो सस्ते हो जाएंगे ठीक है, ये इंडिया में सितंबर 2020 तक ही iPhone 11 का इंडियन वर्जन निकालेंगे, और तब तक लोग iPhone 12 का वेट कर रहे होंगे, तो अब लोग उसको लेंगे या iPhone 11 को। और अगर अभी इंडिया के लोग iPhone 11 लेते हैं तो लोगों को 1 साल और वेट करना पड़ेगा iPhone 12 के इंडियन वर्जन के लिए, जो कि सस्ता होगा। तो मतलब टिम कुक जी या तो टाइम के पीछे चल रहे हैं, या इनके माइंड में कुछ और ही गेम चल रहे हैं इंडियन मार्केट को लेकर। अब ये तो सब आने वाला टाइम ही बताएगा। तो कैसी लगी आपको एप्पल की केस स्टडी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर कुछ क्वेरीज है तो वही बताना।